हेलो एवरीवन, दिस इज नाइस ईयर। सो फाइनली यार, इट्स एग्जाम्स डे एंड अ बिट ऑफ नर्वस एंड अ बिट ऑफ वो क्या बोलते हैं, नर्वसनेस है यार, थोड़ा डर है, डाउटफुल है, और थोड़ा मतलब वो बहुत सारे कुछ है जो पिछले बार नहीं थी। इस बार जिस तरह जो पिछले बार जो जैसे थे वैसा इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछला बार भी एकदम चिल, खाओ पियो, एकदम एग्जाम के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे। बस एग्जाम के टाइम खुला, उसके बाद ही सोच रहे थे क्वेश्चन के बारे में। अभी लेकिन इस बार कैसा आएगा, नहीं आएगा, फिर पिछले बार जैसा 27 जैसा ना हो जाए, बहुत कुछ माइंड्स में चल रही है यार। क्योंकि जो हो चुका है वो तो फर्स्ट हिस्ट्री में जेई का पहली बार हुआ, और क्या पता दोहरा ना दे वो सब। मतलब बहुत सारे मतलब थॉट्स चल रहे हैं अभी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट है, और फिर इसके बाद है एक ड्रॉप ईयर, बट वो तो लेना नहीं है मेरे को यार। तो इस माई लास्ट एंड द फाइनल चांस ट्राई, और यार इसलिए थोड़ा डर, नर्वसनेस तो ऑब्वियस है, बट या विल डू गुड यार, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पढ़े तो हैं अच्छे से अब फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैथ्स भी इस बार अच्छे से किए हैं, और साथ में तुक्का तो मेरा है ही, क्योंकि मेरे को आता मतलब तुक्का से तो कन्फर्म है मेरा 20 मार्क्स तो आ ही जाएगा, बट और थोड़ा सा ऐड हो जाए बनाकर तो अच्छी बात है। सो देखते हैं यार, पता नहीं, अब कन्फर्म नहीं है 20 मार्क्स आ ही जाए, मतलब लग रहा है मेरे को, अब देखते हैं क्या होता नहीं होता। बट हाँ, लास्ट मतलब एग्जाम्स डे, बस निकलेंगे कुछ देर में एग्जाम्स के लिए, और ऑल द बेस्ट टू यू यार, ऑल द बेस्ट। अच्छा होगा यार, 2 साल की मेहनत है, हर बार मैं बताता हूँ। अरे ये 2 साल भाई मतलब मस्त रहा यार, बहुत मस्त रहा है। पता है अब क्या हो गया है, मतलब लास्ट तक जो टिक गया ना उसके पास वो एक रहेगा कि भाई हाँ, मतलब उसको डर ये रहेगा कि पूरा अच्छे से 99% आए, 98% आए तक होगा कि नहीं, उसको ये डर नहीं रहेगा कि एडवांस क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो लास्ट तक टिका, उतना वो पढ़ा है और वो मेहनत किया है। तो यार वो लोग कहते हैं ना, मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाती है। सो देखते हैं यार क्या होगा नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू यार, मेरा भी एग्जाम से जा रहे हैं, अब जाएंगे कुछ देर में निकलेंगे, एंड थैंक यू सो मच। बाय द वे, मैं ये घर पे ही वीडियो बना ले रहा हूँ रात में, क्योंकि मेरे को कल सुबह बनाने में वीडियो नहीं, मतलब कल सुबह मैं ये अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सुबह वीडियो बनाएंगे यार, पागल है, सोकर उठेंगे, उसके बाद थोड़ा रिवाइज, थोड़ा बहुत जो भी होगा इधर उधर देख कर, एडमिट कार्ड वगैरह अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा सेंटर के पास, तो सुबह तो वीडियो नहीं बना पाते। सो इट्स द होम मेड वीडियो जो कि मैं अपलोड उसी दिन कर दूंगा, मतलब क्या बोलते वो शेड्यूल करके, सो ताकि एंड लाइक बट या फीलिंग्स वी आर लिटरली द एग्जाम्स डे, क्योंकि यार मेरे को वैसा ही फील हो ही रहा है, एकदम नर्वसनेस, डाउट, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट यार, अच्छा होगा, डाउट वाउट तो रहेगा ही ना यार, क्योंकि लास्ट चांसेस और इतना 2 साल का मेहनत है। सो ऑल द बेस्ट।